नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खैरथल कस्बे में उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह चौधरी की अगुवाई में डीएसपी अतुल अग्रे, तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल, पालिका के कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा सहित किशनगढ़ व खैरथल थाना पुलिस जाब्ता पालिका कर्मचारियों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने राह चलते लोगों को रोक रोक कर पूछताछ की तथा वीकेंड कर्फ्यू की पालना में किशनगढ़ रोड, 40 फुट रोड, सब्जी मंडी, हेमू कालानी चौक से वापस रेलवे फाटक, मेन बाजार, सिंधी बाजार, सिनेमा रोड तक अनाज मंडी में दौरा किया है। आमजन से मास्क लगाने की भी व बिना वजह सड़कों पर नहीं घूमने की अपील भी की गई। वहीं खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जिस जटिल बीमारी को लेकर के प्रदीप शर्मा एक वर्ष से डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा रहे थे, उसके बावजूद वर्ष भर से ना तो बुखार उतर रहा था और ना ही हल्की सूखी खांसी ठीक हो रही थी। इन दिनों जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस समय इन लक्षणों को देखकर चिकित्सकों ने उन्हें होम आइसोलेट कर दिया है, लेकिन कस्बे के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एन के गर्ग ने सिटी स्कैन करवाई, रिपोर्ट देखी, पुराना चल रहे उपचार की समीक्षा भी की और उसके पश्चात उन्होंने निर्णय दिया कि इनके फेफड़ों में पानी भरे के कारण यह बीमारी हुई है। और डॉक्टर गर्ग ने रविवार को शर्मा के उपचार के दौरान देखते एक जटिल प्रक्रिया के बावजूद फेफड़ों में जमा हो चुका गंदा 2 लीटर पानी निकाला और राहत भी उन्हें पहुंचाई है। राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक सख्त कर्फ्यू लागू करने के साथ ही स्थानीय प्रशासन सजगता और सतर्कता बरतने लगा है और संपूर्ण क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। जिला सीमा के सभी नाकों पर सोमवार से अस्थायी चौकियां स्थापित की गई, जहां अन्य प्रदेशों से आ रहे लोगों के स्वास्थ्य की जांच तथा नेगेटिव प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही उन्हें जिला सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को जिले की दूसरी बड़ी पेयजल पीजीआर उप कारागार के 4 सुरक्षा प्रहरी तथा 9 बंदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी को जेल प्रशासन के अलग अलग बैरक में क्वारंटाइन किया गया है। सुरक्षा प्रहरियों को होम आइसोलेशन कर दिया गया। कर्फ्यू की सख्ती के साथ पालन हो सके इसके लिए उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, तहसीलदार ताराचंद प्रजापत, अधिशासी अधिकारी नरेंद्र काबा, विकास अधिकारी दिशी शर्मा एवं अन्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया है। इसी दौरान एक टायर का शोरूम खुला पाए जाने पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज राज्य सरकार द्वारा जारी जन अनुशासन पखवाड़े गाइडलाइन का कपड़ा व्यवसायी मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। कपड़ा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन में उनके प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश जारी किए गए, जो उनके साथ अन्याय है। साथ ही उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा और आज प्रातः सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले मिले हैं। कपड़ा व्यवसाय द्वारा मुख्य बाजार में सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं, एक जगह एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। तत्काल प्रभाव से सूचना से थाना अधिकारी व उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को वहां से हटाया। वहीं उपखंड अधिकारी ने धारा 144 व सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए नियमों के तहत प्रतिष्ठान खोलने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी दिया है। सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर व्यवसाय व अन्य व्यापारियों को भी चेतावनी दी जाएगी। और गौरतलब तो यह भी है कि कपड़ा व्यवसाय द्वारा प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की मांग की और इसी मांग को लेकर आज उन्होंने मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार को राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।